हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका परागण पोलिनेशन से, कि पोलिनेशन क्या है और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पोलिनेशन के प्रकार और कैसे कैसे होता है, किसमें किस पौधे में किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम थोड़ा बिजी हैं क्योंकि हमारा एक ब्रांच खुलने वाला है, जहानाबाद जिला में एक कोचिंग खुलने जा रहा है, शिवशंकर बायोलॉजी कोचिंग, एक छोटा सा ब्रांच, इसलिए थोड़ी सी उसी में लगे हुए प्रचार प्रसार की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका ये टॉपिक पहला यूनिट बीसीसी प्लस नीट के लिए, बीसीसी प्लस नीट 2021 के लिए जो चल रहा था रिप्रोडक्शन, आपको लगभग कोशिश करूंगा कि 25 दिसंबर को समाप्त कर दूं, एंड कर दूं, उसके बाद अगला टॉपिक, ताकि आप को आप याद करेंगे तभी ना आपका जनवरी से टेस्ट हो पाया। जनवरी से बीसीसी और नीट का टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए, आज का टॉपिक है परागण पोलिनेशन क्या होता है। तो पोलिनेशन आप बचपन से पढ़ते आएंगे, दसवां में भी पढ़े होंगे, इलेवंथ में पढ़े होंगे, ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे, कि पोलिनेशन यानी एंथर यानी नर पराजनन अंग जो होता है वहां से परागकण निकल करके, एंथर उसी को बोलते हैं ना, अरे एंथर इसी को बोलते हैं, इसको एंथर बोलते हैं, पराग कोष को बोलते हैं, और यहां से परागकण निकलकर अस्टिग्मा पर पहुंचता है, यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, अस्टिग्मा पर पहुंचता है। ये किसी भी माध्यम से पहुंचे, चाहे हवा से पहुंचे या बिना किसी माध्यम से पहुंचे, वो तो पोलिनेशन की क्रिया होते है, उसको परागण कहते हैं, परागण उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, यानी प्रजनन की क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा कि परागण जो होता है, प्रत्येक फूल पेड़ पौधे संसार में बहुत तरीके के होते हैं, तो सब फूल में अलग अलग तरीके से परागण होगा। जैसे अभी बताएं कि यहाँ पे पराग कोष एंथर है, ये अस्टिग्मा पर जाता है, अस्टिग्मा पर कैसे जाएगा, चाहे कीट पतंग के माध्यम से यहाँ से पोलन ग्रेन यानी परागकण निकाल करके यहाँ तक जाएगा, तबे ना होगा परागण की क्रिया, प्रजनन की क्रिया, तबे ना बीजांड बनेगा, फूल से फल बनेगा, यहां तक जाता है। तो किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे कीट पतंग से जाए, चाहे हवा से जाए, चाहे पानी दिखा जाए, पानी और वर्षा होवे तो उससे झर करके चल जाए, किसी ना किसी से माध्यम से होगा। लेकिन किसी किसी पुष्प में होता है ना कि ना ही कोई आवश्यकता एजेंट की होती है, ना उसमें हवा की जरूरत होती है, ना ही पानी की, ना कीट पतंग की। तो जैसे में होता है आपका, आपने एक बार सुना होगा कहानी गुल्लड़ का, कि गुल्लर का फूल नहीं होता है, तो हम बताएं होता है। अब कहे सर कैसे होता है, हम तो देखे नहीं किए हैं। तो एक आपने बचपन में कहानी सुना होगा कि एक राजा था, उन्होंने लाइट जलाकर गुल्लर के पेड़ के नीचे रातों भर जग के देखा, तो गुल्लर का फूल कभी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं कि गुल्लर का फूल फुलाता है तुरंत, एक सेकंड में मुरझा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए, पहले इसको समझिए परागण। तो परागण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगेमी, इसको ध्यान में रखिएगा, सेल्फ पोलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगेमी। अब यहां पे समझिए ऑटोगेमी, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और गेमी का मतलब होता है मिलना यानी मीटिंग, गेमी का मतलब होता है मीटिंग, और मीटिंग का मतलब होता है मिलना, एक दूसरे, मीटिंग क्यों करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अरे ऑटो का मतलब सेल्फ और गेमी का मतलब मीटिंग यानी मिलना, तो इसमें कह सकते हैं इसका हिंदी हो जाता है स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन। किसको बोलेंगे, जिसमें अपने आप आकर मिलता हो, क्या यानी परागकण क्या हो, अस्टिग्मा पर अपने आप आता हो, स्वयं आता हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। अब कहिएगा कैसे आएगा, सुन लीजिए, एकरा में किसी की आवश्यकता नहीं होता है। अब कहिएगा सर कैसे नहीं आवश्यकता होता है, तो सुनिए, सेल्फ पोलिनेशन कहता है, स्वपरागण कहता है कि ये एंथर है, एंथर को क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं, ये पराग कोष है, यहां पे चारों तरफ चिपचिपा एक पदार्थ लगा रहता है, ऊपर पोलन ग्रेन पराग को नर प्रजनन अंग होता है, अब यह स्टिग्मा पर जाता है, यह स्टिग्मा मादा प्रजनन अंग पर, तो यह स्टिग्मा पर जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए ना ही इसको कोई हवा की जरूरत पड़ता है, ना ही पानी की जरूरत पड़ता है, ना ही कीट पतंग की जरूरत पड़ता है, यह स्वयं अपने आप झड़ जाता है, इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। कैसे, इस समझ लीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था गुल्लड़,
तो गुल्लर की बात इसी में होती है, स्वपरागन। समझिए कैसे, तो देखिए गुल्लर में एक देखे होंगे, गुल्लर अगर तोड़े होंगे आप, खाए वगैरह होंगे, तो देखिए अंदर में चींटी रहता है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि गुल्लर में जो परागन होती है चींटियों को द्वारा भी हो जाती है, होती है ना। लेकिन समझिए बात कहां की क्या होती है। आपने मूंगफली देखा होगा, मूंगफली चिनिया बादाम, चिनिया बादाम का जो पुष्प होता है बिल्कुल इस टाइप से होता है, इस टाइप का फूल होता है। और यहां पे एक नर प्रजनन अंग आपका होता है और एक मादा प्रजनन अंग इस टाइप से आपका रहता है। ये जो भाग आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं क्या, नर मेल गैमेट। नर प्रजनन अंग होता है यानी मेल होता है, और ये होता है आपका मादा यानी स्टाइल होता है। ये स्टाइल होता है, इस भाग को बोलते हैं क्या, स्टिग्मा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूंगफली का फूल में ये फूल ऊपर से पूरा ढका होता है और अंदर में मादा जनन और अनन जनन अंग होता है। तो क्या इसमें जब ढका हुआ है, ये जब ढका हुआ रहेगा तो क्या इस पे कोई कीट पतंग बैठेगा, नहीं ना बैठे यार। कीट पतंग कब बैठता है, जब उसको रस चूसना होता है। ऊपर से जब ढका है तो कभी रस इसको मिलेगा कीट पतंग को, तो नहीं बैठेगा। ऊपर से जब कोई पानी बरसा होगी तो क्या इसके अंदर प्रवेश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। या कोई भी हवा चलेगी तो क्या यहां से परागकण हवा के सहारे इसमें गिर सकता है, तो नहीं गिर सकता। यानी हवा चल ही नहीं रहा है तो इसमें परागण कैसे होगा। तो इसमें परागण अपने आप होता है, स्वयं होता है, जब यह पूर्ण रूप से परिपक्व होता है ना, तो ये स्टिग्मा पे झर जाता है, और इस स्टिग्मा पे झरता है ना, तो इसी को बोलते हैं स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। इसको बोलते हैं क्रिस्टोगेमस। अब यहां समझिए कि स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन दो प्रकार के होता है। पहला होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर और एक होता है केस्मोगेमस फ्लावर। इसी केस्मोगेमस फ्लावर को बोलते हैं, और क्लिस्टो को समझिए। क्लिस्टो, क्लिस्टो का मतलब क्लिस्टो, क्लिस्टो का मतलब हो जाता है क्लोज, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज। और क्लोज का हिंदी तो जानते हैं, क्लोज, क्लोज का हिंदी क्या होता है, क्लोज, क्लिस्टो, क्लोज का हिंदी होता है बंद। और गेमस, गेमस को अभी बताया, गेमी मिलना, यानी वैसा फ्लावर जिसमें बंद फ्लावर में मीटिंग होता है, बंद फ्लावर में परागण की क्रिया होता है, क्लिस्टो गेमस कहलाता है। क्लिस्टो मतलब का क्लोज, सी एल ओ एस सी, क्लोज यानी बंद। तो बंद परागण यानी बंद पुष्प में परागण की क्रिया हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। जैसे देखिए अब स्वपरागण भी दो प्रकार के, जिसमें एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन, इसको कहेंगे कि एंथर यानी पराग कोष से निकला हुआ पोलन ग्रेन बिना किसी माध्यम से अस्टिग्मा पे यानी मादा जननांग के अस्टिग्मा पे स्थानांतरित हो जाता है, उसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन दो प्रकार के होता है, एक होता है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टो मतलब क्लोज, गेमी मतलब होता है मिलना, यानी बंद फ्लावर में जो परागण की क्रिया होता है, जो मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं क्या, क्लिस्टोगेमी फ्लावर। और एक दूसरा होता है केस्मोगेमस फ्लावर। अब समझिए इसी केस्मो, केस्मोगेमस इसको बोलते हैं, ऐसे दूसरे भाषा में आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में यानी ट्वेल्थ में, होमोगेमस, होमोगेमस पढ़ा होगा, इसको पढ़ा होगा होमोगेमस। अब समझिए होमो का होता है, होमो का मतलब होता है होमो, होमो का मतलब होता है एट सम, होमो का मतलब होता है एट, होमो का मतलब यहां पर समझिएगा एट सम, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। और गेमस मतलब मिलना, गेमस मतलब मिलना, यानी कह सकते हैं यहां पे को वैसा पुष्प, कैसा पुष्प, वैसा पुष्प जिसमें एक एट सेम टाइम यानी बराबर समय में, सेम मतलब का बराबर समय, एट सेम टाइम यानी एक समय में ही क्या करता है कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों परिपक्व होता है, दोनों क्या होता है परिपक्व हो जाता है, उसको बोलेंगे केस्मोगेमस फ्लावर यानी होमोगेमस फ्लावर। अब कैसे होगा, तो देखिए क्लिस्टोगेमस का उदाहरण आपका हो जाता है बंद फ्लावर में, वायोला
मूंगफली, ओक जिलस और कनकौआ, जिसको पार्चुलेका भी बोलते हैं, समझे ना। ऐसे मेलकाइना भी बोलते हैं, कनकौआ पार्चुलेका का नाम सुने होंगे, कनकौआ को मेलकाइना भी बोलते हैं, मेलकोना भी बोलते हैं, बहुत तरह से भाषा इसमें बोला जाता है। कनकौआ नहीं देखे हैं, लोल जैसा ऐसे रहता है। तो देखिए ये कनकौआ, हम कनकौआ का फूल दिखाएंगे आपको। ओकजीलस कभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो ध्यान नहीं रहता है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कनकौआ का फूल इतना बड़ा होता है, हम दिखाएंगे बंद कैसे होता है। मूंगफली तो आपने देखा ही होगा, गांव घर में खेती होता हुआ, तो बायोला इसको याद रखिएगा एग्जांपल में, क्रिस्टोगेमिस। उसके बाद ये एक आपका हमेशा आपका 2018 में नीट में पूछा था और बीसीसी 2017 में पूछा था, नीट और बीसीसी दोनों एक साल आगे पीछे पूछ दिया था। यह पूछता ऑब्जेक्टिव निम्न में से किसमें क्लिस्टोगेमस द्वारा प्रजनन होता है, किसमें क्लिस्टोगेमस द्वारा पोलिनेशन होता है, किसमें होता है, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा फूल का, तब है ना। तो देखिए केसमोगेमस और हेमोगेमस, यानी एट सम टाइम, यानी एट सम टाइम। अब एट सम टाइम किसमें किसमें होगा, कौन सा पुष्प में, हम अभी बात की कि संसार में बहुत प्रकार के पुष्प है, सब में अलग अलग पोलिनेशन होता है, परागण की विधि अलग अलग होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन में भी दो प्रकार के हो जाते हैं, वो बंद पुष्प में, वो खुला पुष्प में। तो खुला पुष्प तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ऊपर से वो पेड़ है, ऊपर पेड़ में वो पुष्प लगल है, वो नीचे पुष्प में लगल है, यहां से कभी गिर गया तो गिरेगा कैसे, हवा के माध्यम से ना, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है, ये हवा के माध्यम ही एजेंट की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहां समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है मीराबिलिज जालप्पा, मीराबिलिज जालप्पा। यहाँ पे परिभाषा ध्यान रखिएगा कि वो ऐसा पुष्प जिसमें एक समय में ही यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों परिपक्व होता है, यानी कहिए कि एंथर, नर जनन अंग किसको बोलते हैं, अरे नर जनन अंग इसी को ना बोलते हैं, एंथर पराग कोष को, और मादा जनन अंग पुष्प में किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना स्टाइल को, यानी अस्टिगमा, वर्तिका अग्र वर्तिका। तो समझिएगा यहाँ पे, जहां पे बीज का निर्माण होता है, नीचे बीजांड होता है, ओवरी अंडाशय होता है, सब होता है, नीचे उसके बाद इसको पुष्पाशन होता है, तो इसको बोलते हैं मादा जननांग, इसको नर जननांग बोलते हैं। तो समझिए, हम आपको एक बार पुष्प को बता रहे थे, एक वीडियो में बताए थे पुष्प के बारे में, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक पुष्प का जिसका नाम है मीराबिलिज जालप्पा। अब मीराबिलिज जालप्पा में क्या होता है कि एक समय ही परिपक्व होता है नर और मादा दोनों। अब कैसे होता है इसको समझिएगा, ये है आपका मादा जननांग, क्या है मादा जननांग, यहाँ नीचे है आपका ओवरी यानी अंडाशय, जहां यानी बीजांड, इसको ओवरी अंडाशय और बीजांड भी होता है। तो समझिए यहाँ पे होता है, और एक होता है आपका यहाँ पे आपका है एंथर, इसको बोलते हैं एंथर यानी पराग कोष, एंथर का हिंदी होता है पराग कोष, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको इस भाग को बोलते हैं अस्टिगमा, इस भाग को बोलते हैं अस्टिगमा। अब यहां पर समझिए अस्टिगमा और एंथर क्या होता है, इसमें क्या होता है मीराबिलिज जालप्पा, मीराबिलिज जालप्पा का हिंदी होता है गुलाब बास, गुलाब बास, गुलाब बास, गुलाब बास, गुलाब बास, गुलाब वास। तो गुलाब वास का फूल लीजिएगा, तो गुलाब वास का फूल में देखे होंगे कि अस्टिगमा बिल्कुल ऐसा ही सीधा रहता है, जब परिपक्व का समय आता है तो अस्टिगमा इसी रहता है बिल्कुल सीधा, लेकिन ये जो एंथर होता है, ये एंथर क्या करता है कि इसका एंथर को नीचे वाला ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट हिंदी में होता है तंतु, फिलामेंट बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जब दोनों एक समय परिपक्व होता है, कैसे होता है कि जैसे ही अस्टिग्मा परिपक्व होने शुरू होता है, मादा प्रजनन अंग परिपक्व होना शुरू होता है, तो क्या करता है एंथर, ये भी परिपक्व होता है दोनों एक समय में, और ये क्या करता है इसका जो फिलामेंट है या तंतु है, ये एंथर का पराग कोष का, और इसी को नर जनन अंग बोलते हैं, जहां पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण कहां, पराग कोष में, पराग कोष में बताए थे ना कि चार चैंबर होता है, काट करके बताए थे, दिखा गए थे। तो ये क्या करता है, इसका फिलामेंट लंबा होता है और घुमावदार होता है, क्या होता है लंबा होगा और घूम घूम के घूम घूम जाएगा, और घूमते घूमते क्या करेगा कि ये जो एंथर पराग कोष है, ये पराग कोष आगे जो होता है एंथर होता है, इसको अस्टिग्मा के पास पहुंचा देता है, क्या करता है
पहुंचा देता है। कौन पहुंचा रहा है? इसका फिलामेंट घूम घूम कर तंतु स्टिग्मा को स्टाइल के पास पहुंचा देता है। तो जब पहुंचा, ये अपने से जब पहुंच गया तो कोई आवश्यकता पड़ा, कोई कीट पतंग का, कोई हवा का, कोई पानी का नहीं ना पड़ा, तो क्या हो गया, इस स्वयं परागण हो गया और फिर यहां से परागिका नीचे झर जाता है, तो क्या होता है, पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, स्व पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी बोलेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा कि गुलाबबास वाला में क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा नोट करके कि गुलाबबास के फूल में, गुलाबबास के फूल में एंथर यानी पराग कोष का फिलामेंट लंबा एवं घुमावदार होकर एंथर को, पराग कोष को स्टिग्मा के पास ले जाता है जहां पोलिनेशन की क्रिया होती है। अब यहां पे बात करते हैं कंपोसाइट फेमिन। कंपोसाइट फेमिन, कंपोसाइट फेमिन का मतलब सूर्यमुखी के फूल का परिवार, यानी सूर्यमुखी के फूल का परिवार आपने देखा होगा। यह कैसे, अरे गुलदाउदी के फूल देखे हैं, सूर्यमुखी नेशन नजर आता है ना, अपने गमला में 100 प्लांट लगाए होंगे, वो भी सूर्यमुखी के जैसा फूल के जैसा एक होता है ना प्लांट, जो आप नहीं देखे हो तो नेट पर सर्च कीजिए, गमला वगैरह में देखिए लगाया हुआ रहता है 100 प्लांट, सूर्यमुखी नहीं होता बल्कि सूर्यमुखी के जैसा ही बिल्कुल नजर आता है। तो इस कंपोसाइट फैमिली का मतलब हो गया कि सूर्यमुखी के फूल के जैसे के परिवार, यानी सूर्यमुखी का फूल। फूल यानी इसके अंदर जितना परिवार आते हैं सूर्यमुखी के जैसा, सब में बिल्कुल एक जैसा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका होता है, समझिएगा इसको, कि सूर्यमुखी के फैमिली यानी कॉम्पोसाइट फैमिली के फैमिली में क्या होता है कि इसमें, अभी तो यहां पे क्या पढ़ा, मीराबिलाज जलापा में क्या हुआ था, मीराबिलीज में कि एंथर जा रहा था घूम घूम के, लेकिन यहां पे क्या करता है कि एंथर जो है बिल्कुल इस टाइप से सीधा रहता है, पराग कोष ऐसे है बिल्कुल सीधा ये रहता है, लेकिन माता जनक जो स्टाइल होता है, यानी स्टाइल इसको समझिएगा, ये जो स्टाइल होता है ना, ये स्टाइल यानी ये स्टिग्मा होता है जहां पे पोलन ग्रेन, जहां पे पोलन ग्रेन गिरता है स्वपरागन में, तो इस भाग को स्टाइल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मादा जननांग यानी स्टाइल घूम घूम कर, घूम घूम कर, घूम घूम कर, इस टाइप से घूम घूम कर जाता है और घूम घूम कर ये स्टाइल को क्या करता है, ये स्टाइल होता है मादा जनन भाग, इस स्टाइल को क्या करता है कि स्टिग्मा को, स्टाइल घूम घूम कर स्टिग्मा को एंथर के पास ले जाता है। इस भाग को क्या बोलते हैं, एंथर, इस भाग को बोलते हैं एंथर यानी पराग कोष। तो इसमें क्या कर रहा है कि कॉम्पोसाइट फैमिली के परिवार वाले में करता पुष्प क्या करता है कि जो स्टाइल होता है मादा जननांग का भाग, जो स्टाइल होता है वो घूम घूम कर इस स्टिग्मा को, इसको स्टिग्मा बोलते हैं जहां पे पोलिनेशन होता है, तो इस स्टिग्मा को क्या करता है कि एंथर के पास यही ले जाता है, खुद ले जाता है और दोनों एक समय, और यहां से फिर पोलन ग्रहण स्थानांतरित होता है, परागकण स्थानांतरित हो जाता है स्टिग्मा पे और दोनों के दोनों एक समय परिपक्व हो जाता है। तो इसी को बोला गया केस्मोगेमेस यानी होमोगेमी यानी एट सम फ्लावर। समझ रहे बात, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए, ये थी आपके सेल्फ पोलिनेशन की बात। अब यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे क्या बात है कि पोलिनेशन दो तरह से, एक सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है ऊपर परागण होता है, पर मतलब का, पर मतलब ही होता है दूसरा कोई, पर मतलब पर आया दूसरा कोई, तो दूसरा कोई से परागण होता है। तो दूसरा कोई से कैसे परागण होगा, जैसे ये पुष्प है, इसको समझिएगा, ये एगो पुष्प है, ये एगो पुष्प, यहां पे देखिए, देखिए ये नर, ये है नर जननांग, ये है मादा जननांग, ये स्टिग्मा, ये एंथर। तो इसमें क्या होता है, एक और पुष्प ले लीजिए यहां पे, देखिए इस भाग को बोलते हैं एंथर, ये नर जननांग होता है, और इस भाग को बोलते हैं अस्टिग्मा मादा जननांग, जहां पे पोलिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है पर परागण में कि जैसे ही पोलिग्रेन पूर्ण रूप से नर जननांग परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होगा तो जब कोई फल पकता है तो गिरता ही है,
तो परिपक्व जब ये होता है तो यहां से पोलन ग्रेन झरना प्रारंभ करता है। अरे जब झरेगा तो नीचे जमीन पे आ जाता है, लेकिन जब जैसे ही पुष्प पर क्या होता है, इस पुष्प पर कोई कीट पतंग बैठता है, क्या करता है, कोई कीट पतंग बैठ जाता है। जैसे ही कोई कीट पतंग रस चूसने के लिए बैठता है, तो रस चूसने के लिए बैठेगा जैसे ही, तो उसकी कोरोला भाग को रस चूसेगा, यानी जो रंगीन भाग होता है फूल का उसी को ना चूसता है, रस उसी में सुना, तो रस चूसेगा। तो इसके पैर में पोलन ग्रेन लग जाता है, या इसके शरीर में लग जाएगा, या इसके मुख में लग जाता है, क्योंकि परिपक्व हो चुका था पोलन ग्रेन। तो जब लगना शुरू होगा और इसमें लग जाएगा, तो यही कीट पतंग क्या करता है कि यह कीट पतंग फिर से दूसरे पुष्प पर क्या होता है, जाकर फिर रस चूसता है। तो यहां से तो पोलन ग्रेन इसके शरीर में चिपक गया था ना पैर में, तो जैसे ही यहां पे बैठा तो यहां से पोलन ग्रेन इसके मादा के स्टिग्मा पर ठेक जाता है, छू जाता है, तो फिर निषेचन की क्रिया हो जाती है पोलिनेशन की। तो क्या बोलेंगे, इसके लिए किसी दूसरे के माध्यम से हो रहा है, यानी पर के माध्यम से हो रहा है, पराया के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे पर परागण। या कभी कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये पुष्प है, एकरा पे कोई कीट पतंग क्या किया कि रस चूसने के लिए बैठा, रस चूसने के लिए, तो इसके शरीर में क्या लगा, पोलन ग्रेन लगा, परागकण लग गया। तो जब परागकण लगेगा तो रस चूसता है, तो घूम घूम के चूसता है ना, तो घूम घूम के चूसेगा, तो बाई चांस कभी ना कभी पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर आईवे करेगा परागकण, जब आइए जाएगा तो पोलिनेशन की क्रिया हो ये जाएगा। तो ये होगा किसके माध्यम से, तो ये हो गया कीट से माध्यम से, इसलिए बोलेंगे इसको पर परागण। ये अपने नहीं कर रहा बल्कि कीट की मदद ले रहा है, इसको बोलेंगे पर परागण। अब समझिए, पर परागण दो प्रकार के होता है, एक होता है जीनोगेमी और एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन को समझिएगा थोड़ा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इसी क्रॉस, देखिए यहां पे समझिए, एक होता है जीनोगेमी और दूसरा तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं पर निषेचन, क्या बोलते हैं, पर निषेचन। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन को दूसरे भाषा में बोला जाता है जीटेनोगेमी, क्या बोला जाता है, जीव टेनोगेमी। अब समझिए कि जीव टेनोगेमी क्या होता है, पहले बात करते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी का हिंदी ही होता है सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। सा मतलब समझिए होंगे कि सा मतलब समान, यहां पर कहिए दिया जात, क्या बोल रहा है कि समान, और फिर कह रहा है जात पुष्प, पुष्प माने फूल, यानी समान जात वाला पुष्प में जो परागण होगा वो जीनोगेमी कहलाएगा। कैसे होगा समझिए, देखिए ये पुष्प अभी बताए थे, ये पुष्प है, क्या ये पुष्प है, इसको समझिएगा, ये पुष्प है, आई आपका है मादा जननांग, आई है आपका नर जननांग। अब बिल्कुल ये है, मानिए कि ये पुष्प जो है ना, ये है गेंदा के, किसका, गेंदा या कुछ भी मानिए, चलिए मान लेते हैं कि ये पुष्प है सदाबहार, क्या सदाबहार, समझना है, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कैसे कैसे होता है, समझिए प्रैक्टिकल अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद देखिए एक और पुष्प है, ये पुष्प है, यहां पे ये मादा जननांग, आई हो गया आपका नर जननांग, तो ये भी जो पुष्प है ये हो है आपका सदाबहार, क्या है, सदाबहार पुष्प है, सदाबहार। अब सदाबहार समझिए, आपने देखा होगा सदाबहार का। अब यहां पे समझिए कि ये भी जो पुष्प है सदाबहार है, और ये भी पुष्प जो क्या है सदाबहार, दोनों एक पुष्प है, अरे एक ही पुष्प है ना जी दोनों, तो दोनों जब एक पुष्प है तो एक जाति को हो गया दोनों सदाबहार जाति का, तो दोनों सदाबहार जाति को हो गया तो दोनों का फूल तो एक ही जैसा होगा। तब कह रहा है कि समजात वाला पुष्प है, तो दोनों समजात वाला पुष्प हो गया, तो इसमें जीनोगेमी कैसे परागण होगा। तब जो अब कोई रस क्या करता है, चूसने आता है कीट पतंग, जब कोई कीट पतंग रस चूसने आएगा तो इसके पैर में अभी बताया लगेगा, इसके पूंछ में लगेगा, इसके पंख में लगेगा, इसके मुंह में लगेगा, क्या पोलन ग्रेन लगेगा, और यही कीट पतंग इसी जात के, किसी जात के, इसी जात के मतलब सदाबहार वाला ही, फिर
अब सदाबहार नहीं, अब दिमाग में बैठा जाएगा, जैसे आम के पुष्प पर कोई कीट गया तो वही कीट वह उड़ के फिर दूसर का आम के पेड़ पर जाएगा, तो यानी सम जात वाला पेड़ पे। तो ये सदाबहार का था, यू सदाबहार के फूल है, तो यहाँ पे सदाबहार वाला पे कीट बैठा, फिर यही से कीट उड़ करके इस इनके सदाबहार वाला पुष्प पर जाकर बैठ जाता है दूसरा पेड़ पर। अब दूसरा पेड़ पर सदाबहार पे बैठेगा तो वहां भी फूल सदाबहार ही था, तो वहां जैसे ही बैठता है रस चूसने के लिए, तो इसके शरीर में जो चिपका हुआ पोलन ग्रेन है यहाँ स्टिग्मा पर झर जाता है। जब स्टिग्मा पे झर जाएगा तो फिर निषेचन की क्रिया हो जाती है, और जब निषेचन की क्रिया हो जाएगा तो फिर परागण की क्रिया हो जाती है, यानी पोलिनेशन की क्रिया हो गई, समझे। यानी यहां पे कह सकते हैं, मूल रूप से याद रखिए कि मूल रूप से आपको बस इतना ही याद रखना है कि पर परागण होने के लिए आपको मूल रूप से एजेंट की आवश्यकता होती है, यानी किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होगा पर परागण होने के लिए। हवा चलेगा तो हवा से परिपाक के पराग पोलन ग्रेन यानी परागकण झर करके स्टिग्मा तक पहुंचेगा, वर्षा होगा तो वर्षा के पानी के माध्यम से पहुंचेगा। तो देखिए, पर परागण होने के लिए मूल रूप से दो प्रकार के एजेंट होते हैं, कितना, दो प्रकार के एजेंट लिख लीजिएगा हो सके तो, दो प्रकार के एजेंट का मतलब होता है, एजेंट का हिंदी होता है माध्यम। दो प्रकार के माध्यम होता है आपका, पहला जो होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। पहला होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। अब एबायोटिक का मतलब होता है आजीवीय, क्या होता है आजीवीय, और बायोटिक का मतलब होता है जीवीय। अब समझिए कि पर परागण होने के लिए दो प्रकार के एजेंट की, संसार में जितने भी पुष्प हैं उसमें जब पर परागण होगा तो बस यही दो प्रकार के एजेंट की आवश्यकता होगा। पहला होता है एबायोटिक यानी अजीवीय होता है, और दूसरा होता है बायोटिक जीवीय। अजीवीय क्या होता है समझिए, अजीवीय में जैसे में आता है अजीवीय, अजीवीय में जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है आपका हवा, हवा पानी अजीवीय। अजीवीय का मतलब हो रहा, कह रहा कि अजीवीय मतलब जीव नहीं बिना जीव वाला, जीव नहीं बिना जीव वाला, और एक होता है बायोटिक यानी जीवीय, इसमें बोल रहा है जीव वाला, जैसे कीट पतंग, क्या होता है कीट पतंग, पक्षी हो गया, कीट पतंग हो गया, सांप हो गया, जंतु हो गया, चमगादड़ हो गया, तितली हो गया, फतिंगा हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिरनी हो गया, ये सब क्या है जीव है, ये सब क्या है जीव जंतु है, जीव है, इसलिए इसको बोला गया बायोटिक यानी जीवीय, यानी जीव में आता है कीट पतंग तितली मोर पंख सांप जितना जीव आते हैं इसमें आता है जीवीय में। और अजीवीय मतलब बिना जीवन वाला, तो बिना जीवन वाला हवा पानी ना होगा, अरे हवा चलेगा तो हवा से झरेगा परागकण, झर के परागण की क्रिया होगा, और या पानी पड़ेगा तो पानी के माध्यम से झर के होगा, या फिर अब बायोटिक होगा तो जीवीय, जैसे कोई जीव, जैसे जीव में जैसे तितली रस चूसने के लिए बैठेगा तो वहां पोलन ग्रेन सटेगा, फिर पोलन ग्रेन सट के वैसे दूसरे पौधा पर जाता है, वहां स्टिग्मा पे उसका चिपक जाता है, परागण की क्रिया होता है। तो अब यहां पे याद रखना है कि हवा द्वारा और पानी द्वारा, कीट पतंग द्वारा यानी बायोटिक और एबायोटिक में जितने जीव आते हैं, इन सारे जीव से किस पौधा में, किस में परागकण यानी परागकण पोलिनेशन की क्रिया किस किस पौधे में होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले बात आता है यहां पे एंटेमोफिली, क्या था एंटेमोफिली, तो यहां पे समझिएगा, कह रहा कि एंटेमोफिली, एंटेमो का अर्थ होता है एंट का इंसेक्ट यानी कीट पतंग, और यहां पे बात कर रहा है फिल्ली, फिलस फिल्ली बना है फिलस से, फिल्ली जो बना है वो फिलिस फिलस बना है, और फिलस का मतलब होता है टू लव, फिलस का मतलब होता है टू लव, लेकिन यहां पे कह रहा है कि एंट से क्या, एंट मतलब चीट यानी कीट पतंग ही, तो कीट तो यानी इंसेक्ट, तो यहां पे समझिएगा कि इंसेक्ट द्वारा यानी कीट पतंग द्वारा जिस पुष्प में परागण की क्रिया होगा उसको एंटेमोफिली कहते हैं, इसका हिंदी होता है कीट परागित पुष्प, एंटेमोफिली का हिंदी ही होता है
कीट परागित पुष्प, यानी जिसके द्वारा कीट पतंग द्वारा जिस पुष्प में किस कीट पतंग द्वारा परागण की क्रिया होता है, जैसे कौन कौन पुष्प, तो देखिए साल्विया है, यूका है, रात रानी जिसको बोलते हैं नॉक्टेटस, रात रानी के पुष्प में होगा, जलकुंभी में, कमल में। एक बात यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा कि जितने भी जलीय पौधे हैं, जलीय पुष्प हैं, उसमें प्रजनन ज्यादातर कीट पतंगों द्वारा ही किया जाता है, समझे। उसके बाद दूसरा बात आता है एनेमोफिली। एनेमो, एनेमो का मतलब ही होता है बिंड, हवा, और फिली, फिली का मतलब लव, यानी हवा के द्वारा। तो हवा के द्वारा जिस पुष्प में प्रजनन की क्रिया होगा, परागण की क्रिया होगा, उसको बोलेंगे क्या, एनेमोफिली। अरे परागण होगा तो उसको प्रजनन ना बोल रहे हैं, कि बीज होगा अंडाशय नीचे से तो निषेचित होगा, अनिषेचन के बाद अंडाशय बनेगा, तो वो क्या हो रहा, प्रजनन नहीं हो रहा एक तरह से, तो यानी परागण। तो एनेमोफिली यानी एनेमोफिली किसको बोलेंगे, जिस पुष्प में यानी जिस पौधा के पुष्प में हवा के द्वारा परागण की क्रिया होता है उसको एनेमोफिली कहते हैं, जैसे धान, गेहूं, जौ, मक्का, बांस और सभी प्रकार की घास। अब यहां पे सुनिए, दो चीज हमने बताया, एंटेमोफिली और एनेमोफिली। तो एंटेमोफिली में कीट पतंग द्वारा हो रहा है परागण की क्रिया, तो आखिर कीट पतंग के द्वारा ही एंटेमोफिली में ही क्यों होता है, सुन लीजिए। यहां पे साल्विया, यूका, रात रानी, रात रानी आपने सबने देखा हुआ, तो रात रानी का जो पुष्प होता है बहुत सेंटेड होता है, यानी सुगंधित होता है, और इसी सुगंधित होने के कारण क्या होता है कि जो कीट पतंग, तितली, फतिंगा जो है सुगंध से इस पर आके बैठता है, और आके बैठेगा पुष्प पर, जिस पुष्प में सुगंध है उसमें, जिसमें सुगंध होगा उसमें रस तो वास्तव में ही होगा, तो जब सुगंध होता है उस पर बैठता है, तब उसके पैर में, पंख में, शरीर में लग करके पोलन ग्रेन यानी पराग कर फिर उसी पौधा पर यानी उसी पौधा के दूसरे पर बैठता है पुष्प पर, तो वर्तिका स्टिग्मा पर पहुंच जाता है परागण उसके माध्यम से, तो क्या होता है, परागण की क्रिया होता है, इसलिए इसको कीट पतंग के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे एनेमोफिली हवा द्वारा, तो हवा द्वारा यहाँ पे कह रहा है कि सभी प्रकार की घास, तो घास में पुष्प जो होता है ना महीन महीन उजला उजला देखिए छोटा छोटा आता है, लेकिन एंटेमोफिली में पुष्प बड़ा होता है जाके कीट पतंग बैठ सके, लेकिन घास में ऐसा देखे हो घास, इस घास में महीन महीन उजला उजला पुष्प नजर आता होगा, तो क्या इस पे कीट पतंग बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। और इस घास में कोई सुगंध नहीं होता फूल में, कोई रस नहीं होता फूल में, तो कीट पतंग बैठेगा क्यों, जब उसको मेरा सुगंध नहीं रस नहीं है तो बैठेगा, कीट पतंग को जब फायदा नहीं होगा तो उस पर बैठेगा नहीं ना। तो धान, गेहूं, जौ, मक्का में, सभी प्रकार के घास में आपका हवा के द्वारा प्रजनन होता है, हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है, परागण होता है, यानी यह आपका यहाँ पे छोटा छोटा घास है उसमें फूल है, तो हवा जैसे ही चलेगा तो परागण झरेगा, परागण झरेगा तो एक घास के दूसरे घास के फूल पर जाके गिरेगा, तो पोलिनेशन की क्रिया होता है। उसके बाद बात आती है हाइड्रोफिली। हाइड्रो यहां समझिए, हाइड्रो मतलब हर कोई जानता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है, और फिली का मतलब टू लव, यानी जल के द्वारा लव, यानी जल द्वारा परागण, वाटर द्वारा, जल द्वारा परागण क्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। जैसे हाइड्रिला के पौधा बेलिशनेरिया में आपका जल द्वारा परागण होता है, पोलिनेशन होता है। उसके बाद ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, बर्ड्स, यानी वैसा पुष्प जिसमें बर्ड्स के द्वारा, पक्षी के द्वारा प्रजनन की क्रिया होता है, पोलिनेशन की क्रिया होता है। अब कहेगा पक्षी में, तो देखिए पोलिनेशन जब भी होता है तो यह स्टिग्मा स्टाइल, अभी बताए कि ये आपका है, यहां पे अभी दर्शा रहे हैं, ये आपका मादा जननांग है, ये आपका होता है नर जननांग, तो ये दोनों जब मिलेगा तो प्रजनन की क्रिया होगा यानी पोलिनेशन होगा, तो इसको बोला गया कि उस वैसा पुष्प जिसके द्वारा, पक्षी के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होता है उसको बोलेंगे ऑर्निथो। तो यहां पे बात करते हैं जैसे में झुमका, झुमका की खेती देखे होंगे, जीरा घोड़ा जाए भी आप लोग बोलते होंगे झुमका, इकरा इंग्लिश में बोलते हैं पैसी फलोरा, लिख लीजिएगा इंग्लिश पैसी फलोरा, कभी कभी नीट में इंग्लिश दे देता है पैसी फलोरा,
पैसी फ्लोरा यानी झुमका। तो पैसी फ्लोरा में होता है आपका पक्षी के द्वारा। अब कहिए कैसे, सुन लीजिए। एक हमिंग वर्ड का नाम सुनेंगे, सबसे संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग वर्ड। हमिंग वर्ड जो होता है पैसी फ्लोरा में यानी झुमका में, हमिंग वर्ड द्वारा पोलिनेशन होता है। कैसे, जैसे ही हमिंग बर्ड क्या करता है कि पैसी फलो झुमका के पौधों पर बैठता है तो उसके चोंच के माध्यम से क्या करता है कि चोंच के माध्यम में उस जब रस चूसना प्रारंभ करता है तो चोंच में पोलिनेशन यानी परागकण लग जाता है, पोलन ग्रेन रुक जाता है, फिर वही दूसरे पैसी फ्लोरा में जाकर के रस चूसता है। तो उसके चोंच में तो परागकण लगा था तो उसके मादा यानी जैसे चूसना शुरू किया तो मादा के स्टिग्मा से टच करता है तो वो पोलन ग्रेन उस पर झड़ जाता है, परागकण झड़ जाता है और पराग निषेचन की क्रिया होता है, प्रजनन क्रिया होता है यानी पोलिनेशन हो जाता है। उसी प्रकार जूफिल्ली, अब जूफिल्ली की बात करें, जू मतलब होता है जंतु, जू मतलब जंतु यानी जंतु घर यानी जूफिल्ली यानी जंतु द्वारा परागण यानी पोलिनेशन। यानी जू का मतलब होता है एनिमल, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जंतु द्वारा जो पोलिनेशन, जिस पुष्प में जंतु द्वारा पोलिनेशन होगा उसको जूफिली कहते हैं। यानी यहाँ पे कह सकते हैं जंतु परागित पुष्प और ऑर्निथोफिली को कह सकते हैं हिंदी में पक्षी परागित पुष्प, और हाइड्रोफिली को हिंदी में कह सकते हैं जल परागित पुष्प। अब समझिए कि जंतु बड़ा बड़ा जंतु होता है, छोटा जंतु होगा, तो जब भी पेड़ पौधे में फूल में पोलिनेशन की क्रिया होगा तो छोटे छोटे जंतु द्वारा ही होगा, कि ऐसा थोड़े ना कि गाय भैंस द्वारा हो जाएगा, बड़ा है तो फूल खाएगा तो होगा, नहीं ना, छोटे जीव जब बैठेंगे, छोटे जंतु ही बैठेंगे पुष्प पे तब होगा। तो जंतु में देखिए क्या आता है, जंतु द्वारा प्रजनन यानी जूफिली को दो भाग में बांट दिया गया, एक है क्रिप्टोफिली, एक है क्रिप्टेरोफिली और एक है मिलाइकोफिली। क्या, मिलाइकोफिली। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्रिप्टोफिली, लेकिन कहीं कहीं किताब में लिखा गया चेरिप्टेरोफिली, चेरिप्टेरोफिली, तो हड़बड़ा मत जाइएगा। तो क्रिप्टेरोफिली या चेरिप्टेरोफिली, इसमें परागण जो होता है चमगादड़ के द्वारा होता है। क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा। अब कहिएगा किसमें, तो जैसे में देखिए कदम के पेड़ में और सेमल में, सीम तो सेमल जो जानते ही होंगे, और एक कदम, अब सेमल की एक बात ध्यान रखिए, सीम का लतर देखो उसमें हमिंग बर्ड देखिएगा बुल्लू बुल्लू कलर के, काला काला करके एक बैठे रहता है, रस चूसित रहता है, तो सेम वाला लतर में भी हमिंग बर्ड द्वारा भी पोलिनेशन परागण की क्रिया हो जाता है। लेकिन चमगादड़ और कदम, तो कदम जैसे ही कदम फल लटकता है, फूल होता है, तो उसमें चमगादड़ रस चूसने के लिए बैठता है, तो उसके रस चूसता है, उसके पूरे शरीर में परागण लगता है, और वैसे उस फल, वहां से उस फल पर से हट करके फिर दूसरे कदम के फल पर जाकर बैठता है, तो वहां मादा जनन अंग तक पोलिनेशन पहुंचता है यानी परागकण पहुंचता है, तो निषेचित की क्रिया होती है तो पोलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि चमगादड़ द्वारा कमदम और सेमल के पौधा में यानी फूल में चमगादड़ द्वारा पोलिनेशन होता है, परागकण की क्रिया होता है। अब उसके बाद आता है मिलाइकोफिली, तो मिलाइकोफिली में आता है आपका पहला जानवर घोंघा, गिलहरी, सांप। तो घोंघा आपको देखा होगा कि घोंघा में एरेसी कुल के पौधा में, एरेसी कुल के यानी जल में जो छोटा छोटा पौधा जल के किनारे आरी वगैरह पर रहता है, जहां घोंघा चिपका रहता है, उसके द्वारा, घोंघा के द्वारा एरेसी कुल के पौधा में होता है परागण की क्रिया। और गिलहरी, गिलहरी द्वारा, देखिए समझिए कि गिलहरी द्वारा इरिथ्राइना, इरिथ्राइना इंडिका के पौधा में, लेकिन इतना ही नहीं, देखिए आपने पीपल का देखा होगा, पीपल के पौधा टहनी में एक छोटा छोटा फल लटकता है, लटकता है ना गुल्लड़ के जैसा छोटा छोटा, और बर में भी, तो गिलहरी यानी जिसको बोलते हैं रुखी, तो क्या करता है उस फल को खाता है, तो एक बार फल खाएगा तो फल को खाएगा तो अंदर परागकण लगेगा उसको चोंच में, और जैसे ही दूसरे फल पर जाता है खाने के लिए, खाए या ना खाए, जैसे ही उस पर चोंच मारता है यानी अपना मुंह मार देता है, तो रुखी यानी गिलहरी से परागकण निकलकर उस फल में चला जाता है, और वहां मादा जननांग पर निषेचित होकर परागण की क्रिया होता है। उसके बाद सांप आता है, उसी प्रकार सांप में बूटी प्लांट यानी छोटा पौधा, बूटी पौधा में और एरिसीमा के पौधा में परागण की क्रिया होती है। ये सब लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आता है, एक बच्चा ने भी कमेंट किया था, सर इसके बारे में जरूर बताइएगा, हम ऐसे भी बताते, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी का अर्थ होता है विभिन्न कल्पता। क्या, विभिन्न कल्प पक्वता, हिंदी में इसका होता है विभिन्न कल्प पक्वता, इसको लिख देता हूं,
विभिन्न विभिन्न कल्प पक्वता डायकोगेमिका हिंदी हिंदी होता है विभिन्न कल्प पक विभिन्न कल्प पक्वता। अब डायकोगेमी जो होता है जैसे इसमें कि पुष्प इसको समझिएगा डायकोगेमी बढ़िया से डायकोगेमी होता क्या है। डायकोगेमी में पुंकेसर और आपका स्त्री केसर तो पुंकेसर हम आपको इसको बोलते हैं पुंकेसर का यानी एंथर प्राकोष को तो एक एंथर हम बताए थे इसको प्राकोष कहते हैं एंथर और ये स्टिग्मा को स्त्री केसर बोलते हैं ना अस्टिग्मा को स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग है नर जनन अंग है। तो कहता है कि डायकोगेमी में यानी विभिन्न डायकोगेमी का मतलब है विभिन्न कल्प पक्वता यानी कि इसमें नर जनन यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जो अलग अलग समय पे यानी एक अभी बताए थे गुलाबबास के बारे में कि एक समय परिपक्व होता है लेकिन इसमें कह रहा है डायकोगेमी में कि अलग समय में परिपक्व होगा ये अलग समय मान लीजिए परिपक्व आज हुआ तो ये दो तीन दिन के बाद होगा या पहले भी हो सकता है तो यानी ये दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व हो जाता है तो इसको बोलते हैं डायकोगेमी। लेकिन ये दो प्रकार के होता है एक होता है कि प्रोटेंड्री एक पहला होता है प्रोटेंड्री और दूसरा होता है प्रोटोगेमी। प्रोटेंड्री जो होता है प्रोटेंड्री में का हिंदी होता है पुंपुवर्ता पुं का मतलब होता है पुंकेसर और पूर्वता मतलब पहले पू से पुंकेसर पूर्वता मतलब पहले और एक होता है प्रोटोगेमी यानी स्त्री पूर्वता। अब समझिए यहां पर कहिए दिया पू पू मतलब है पुंकेसर इसको क्या बोलेंगे पुंकेसर बोलते हैं प्राकोष के अंतर को नर जननांग को पुंकेसर बोलते हैं स्त्री जननांग को जयांग भी बोलते हैं स्त्री भी बोलते हैं गायनेशियम भी बोलते हैं। तो सुनिए पुंकेसर जो है पूर्वता पूर्व मतलब पहले तो वैसा पुष्प जिसमें पुंकेसर पहले परिपक्व होता है सबसे पहले परिपक्व होता है उसको बोलते हैं क्या प्रोटो प्रोटेंड्री क्या बोलते हैं प्रोटेंड्री यानी पुंपुवर्ता। तो किसमें होगा सबसे पहले तो उसमें होता है जैसे मालवेसी के पौधा है उसके पुष्प में अंबे अम्बली फेरी अम्बली फेरी के पौधा है उसमें पुष्प में सबसे पहले ये पुंकेसर परिपक्व होता है। उसके बाद प्रोटोगेमी प्रोटोगेमी स्त्री पूर्वता यानी स्त्री पहले तो स्त्री पहले परिपक्व होता है तो किस पौधा में एनोनेशी के पौधा में स्त्री के पुष्प में स्त्री केसर यानी स्त्री केसर जो मादा जनन अंग होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है। उसके बाद मैग्नोलियेसी में सबसे पहले परिपक्व होता है क्या स्त्री। अब यहां पे समझ में आ रही होगी बात कि इस पौधा है मालवेसी वाला पौधा में सबसे पहले पुंकेसर परिपक्व होता है उसके बाद कुछ दिन के बाद स्त्री केसर। लेकिन प्रोटोगेमी वाले के अंतर्गत जो एनोनेशी पौधा आता है इसके पुष्प में सबसे पहले स्त्री परिपक्व होता है उसके कुछ दिन के बाद पुंकेसर यानी नर जननांग परिपक्व होता है। तो स्टूडेंट्स ये सब लिख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था और याद भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।